Welcome friends, our channel English Speaking with Gary. This is English बोलें सिर्फ एक बार सुनकर का तीसरा लेक्चर है. जो कोई मेरा भाई मेरा फ्रेंड पहले दिन ये देख रहा है मेरा वीडियो, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, या फिर कोई पहले पुराना बंदा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का बटन है उस पर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो हैं, एक भी वीडियोस को आप मिस ना कर सकें. तो आज हम शुरू करते हैं आज का सेंटेंस एनवी. अब गेट वर्ड एनवी. एनवी का मतलब जेलसी, ईर्षा. ठीक है. एनवी टोटली डिमोलिश ह्यूमन. एनवी क्या करता है, जेलसी क्या करती है कि बंदे को बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद कर देती है इंसान को. ठीक है, सही बात है ना. ईर्षा से हम कितना बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं. ठीक है, ईर्ष्या के लिए. तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हैं दोस्तों, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, डिसकंटेंट, स्पाइट. अगर एनवी की जगह पे रिजेंटमेंट टोटली डिमोलिश हो, बिटरनेस टोटली डिमोलिश ह्यूमन, डिसकंटेंट टोटली डिमोलिश ह्यूमन, या स्पाइट टोटली डिमोलिश ह्यूमन, तो अभी बात एक ही है. ये अपग्रेडेड वर्ड्स हैं, अपग्रेडेड वोकैब है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे भैया के साथ कही सुनी हो गई. मेरी भैया के साथ कहा सुनी हो गई, उसको कैसे बोलेंगे. आई हैड अ टिफ विद माई ब्रदर. अगर मेरी मम्मा डैडी के साथ हो गई, पेरेंट्स के साथ हो गई, तो आई हैड ए टिफ विद माई पेरेंट्स. कैसे लिखेंगे, आई हैड टिफ, आई हैड ए टिफ with my sister, या parents, या friend. ऐसी तरह आप हजारों sentence बना सकते हैं. I had a tiff का मतलब है कहाँ सुनी है. ठीक है. Next one is, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है. उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, उसको कैसे कहेंगे. He got on my nerves. कैसे, He got on my nerves. उसने मेरी नाक में दम कर रखा है. ये भी हम रोज़ बोलते हैं कई बार, है ना, कि भाई उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है. टीचर हो या मैडम हो या कोई और हो, या कोई लड़का हो लड़की हो, कोई दोस्त हो, कोई दोस्त ना हो, दुश्मन हो, उसके लिए भी यूज़ होता है. चांटा पड़ेगा, चांटा पड़ेगा को क्या बोलेंगे. चांटा पड़ेगा नहीं बोलेंगे, यू विल बी स्लैप्ड. क्या बोलेंगे, यू विल बी स्लैप. ये चांटा पड़ेगा, यू विल बी स्लैप. नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट. डोंट वॉक बेयर का मतलब नंगे, फुट का मतलब पैर, नंगे पैर मत चलो. He got on my nerves. उसने मेरी नाक में दम कर रखा है. You will be slapped. चांटा पड़ेगा. Don't walk barefoot. नंगे पैर मत चलो. ठीक है. The next one is, भाई किसी की मत सुनो. Don't listen to anyone. भाई किसी की मत सुनो. हम कहते हैं ना कि भाई अगर तुम confused हो तो किसी की मत सुनो, दिल की सुनो. यहाँ बहुत लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, किसी की मत सुनो, तो उसे कैसे कहेंगे, किसी की मत सुनो. डोंट
listen to anyone. ये भाई किसी की मत सुनो, फोन मत काटना. हम कहते हैं ना 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 फोन मत काटना. फोन मत काटने को क्या कहेंगे? डोंट हैंग अप. हैंग अप का मतलब काटना, कि भाई फोन मत काटना. डोंट हैंग अप, तो भाई उसने मेरा फोन काट दिया. ही हंग अप ऑन मी, कैसे कहेंगे उसने मेरा फोन काट दिया? ही हंग अप ऑन मी. डोंट लिसन टू एनी वन, भाई किसी की मत सुनो. डोंट हैंग अप, मेरा फोन मत काटना. उसने तो मेरा फोन काट दिया. ही हंग अप ऑन मी. ही हंग अप ऑन मी, देखकर ही विश्वास होता है. सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है. सीइंग इज बी ई एल आई ई आएगा यहाँ पे, ई आएगा यहाँ पे, ई वी आई एन जी, बी ई एल आई ई वी आई एन जी, बिलीविंग. सीइंग इज बिलीविंग, भाई देखकर विश्वास होता है, ठीक है. तो ये रहे हमारे ये वाले. और नेक्स्ट वन क्या है कि भाई वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं. दे डोंट ट्रस्ट मी, दे डोंट ट्रस्ट मी, वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं. उनको कैसे बोलते हैं? दे डोंट ट्रस्ट मी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, दे डिसट्रस्ट मी. जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं. दोनों यूज़ करना चाहते हो तो दोनों बढ़िया लगेंगे, है ना. अलग अलग मोमेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं. तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा सेंटेंस है? वह दल बदलू है. वह दल बदलू है, उसे कैसे कहेंगे? वह दल बदलू है इज ए टर्न कोट. दे डोंट ट्रस्ट मी, भाई वो मेरे पे विश्वास नहीं करते. क्या आप कह सकते हैं? दे डिस्ट्रस्ट मी, ठीक है. लास्ट ही इज ए टर्न कोट, भाई वो दल बदलू है, कभी यहाँ कभी वहाँ. ही इज़ ए टर्न कोट. तो ये था हमारा आज का लास्ट सेंटेंस. आई होप यू लविंग टू सी माई वीडियोज वेरी मच एंड आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन होल हार्टेडली. आई गेट बैक सून विद माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स.